ये हमारा फर्स्ट और सेकंड बूट, ये देख सकते हैं गाइस हमारा फोन ऑन हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मतलब हमारा फॉर्मेट हो चुका है, ड्रॉप डाउन हो चुका है गाइस। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, हमेशा की तरह कंटेंट मैं और लेकर के आया हूँ। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, मैं आपको बता दूँ, एक हमारे पास सैमसंग का फ़ोन है। ये सैमसंग का जो है मॉडल, मैं आपको बता दूँ, ये सैमसंग का भी आपको मॉडल यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, A03S, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ये देख सकते हैं A037F। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सैमसंग का फ़ोन है, और इसमें लगा हुआ है पैटर्न, किसी यूज़र ने इसका पैटर्न भूल चुके हैं। और बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं सारी चीज़ें गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न है, किसी यूज़र ने यहाँ पे पैटर्न भूल चुके हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है हार्ड रिसेट करने में या फिर कुछ भी करने में। तो सबसे पहले आप सैमसंग को ऐसा कुछ नहीं मानना है कि अगर आपका फ़ोन हार्ड रिसेट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम हार्ड रिसेट कैसे करते हैं, उसके बाद इसमें FRP लगती है, तो FRP को भी हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको हार्ड रिसेट करने वाले हैं, सिस्टम से, अनलॉक टूल से करने वाले हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो सारी चीज़ें। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो चलिए फटाफट आप वीडियो को, आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा वहाँ पे, मैंने आपको दिखाया हमारा जो सैमसंग का फ़ोन था सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इसमें लगा हुआ है सर MediaTek का CPU है, और MediaTek CPU है तो उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से वन क्लिक में हमारा यहाँ पे हो जाने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा दें, मैंने यहाँ पे अनलॉक टूल से करने वाला हूँ। सबसे पहले हम करेंगे इसकी फैक्ट्री सेट, फिर अगर इसमें FRP लगती है गाइस, तो FRP को भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे जाएंगे सैमसंग में, क्योंकि बहुत ईजी हो चुकी है अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है सैमसंग के, बहुत ईजी तरीके से अनलॉक हो जा रहा है। सैमसंग में आने के बाद फ्रेंड अपना मॉडल सेलेक्ट करना है। तो मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग A03S, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया था, MediaTek CPU यहाँ पे लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन यहाँ पे कॉलकॉम होगा, और यहाँ पे जाइनोक्स और सारी चीज़ें होती हैं स्नैपड्रैगन MTK। तो आप यहाँ पे देख सकते हो MediaTek का A03S हमने यहाँ पे बताया हुआ था, हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा टैब यहाँ पे काम करने वाला है गाइस। आप फैक्ट्री रिसेट और FRP देख सकते हो, तो यहाँ पे दोनों ही आपका फैक्ट्री रिसेट और FRP यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। फिलहाल हम करने वाले हैं यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट, हम फैक्ट्री रिसेट पे कर देते हैं क्लिक। दूसरी चीज़, आपका फ़ोन पैटर्न पे होगा तो बंद नहीं होगा गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको तीनों की को एक साथ प्रेस करना है। फिर से आप सुनिएगा, रिमाइंड कर रहा हूं आपको, तीनों की, क्योंकि ये जो हमारा फ़ोन होगा ऑन होगा, अभी हमारा यहां पे दिखेगा नहीं आपको, तो अगर मैं दिखाने की कोशिश भी करूँ आपको तो शायद दिख जाए। तो फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये फ़ोन में दिखा सकूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूँ गाइस कि कैसे आपको करना है बेसिकली। तो ये जो फ़ोन है, अभी मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे साइड में कर देता हूँ, और ये फ़ोन देखिए चालू है बेसिकली, आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें। मैं अभी फ़िलहाल घर पे हूँ और घर पे स्टे हूँ। तो चलिए ठीक है, तो ये फ़ोन अभी बंद नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, डाटा केबल से लगा देना गाइस। ये देखिए मैंने डाटा केबल से लगा दिया है। अब आपको करना क्या है, तीनों की को एक साथ प्रेस करना है गाइस। तीनों की को आप एक साथ प्रेस करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ तीनों की, और यहाँ पे वेटिंग फॉर यूज़ भी हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी आप देखोगे मैं तीनों की एक साथ प्रेस किया हुआ है, और ये देखिए, और फिर आपको केवल वॉल्यूम अप डाउन दबा के रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है हमारा, यहाँ पे कनेक्ट हो गया है गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको लाइव ही करके यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे फोन, और यहाँ पे देख सकते हो फोन हमारा कनेक्ट, एरर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे अभी हमारा चार्जिंग पे चला जाएगा, तो वेट करेंगे गाइस, स्टॉप करते हैं। और यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर से वही प्रोसेस करना है। अभी हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो फिर से हमने लगाया हुआ है। अब इसको फिर से, अगर फ़ोन अगर खुल जाता है तो अच्छी बात है, वेटिंग फॉर यूज़ भी आ चुका है। अब यहाँ पे फिर से मैंने तीनों की को एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है, तीनों की को एक साथ प्रेस करके रखा हुआ है, और जैसे ही हमारा फ़ोन रिस्टार्ट होगा, वॉल्यूम अप डाउन आप दबा के रखिए। अभी देखिए यहाँ पे कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन हमारा फिर से, क्योंकि अगर आपने कनेक्टिविटी अच्छे से कर दी तो आपका काम 100% हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको लाइव दिखाया। देख सकते हैं फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है गाइस, फैक्ट्री रिसेट हमने किया इसको, यूज़र डाटा इसका रिसेट हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आप उससे वाइप डाटा नहीं कर पा रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने फ़ोन कनेक्टेड है हमारा। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा हो चुका है, यूज़र डाटा ओके हो चुका है, जॉब डन हो गया। अब हम इसे निकालेंगे, देखिए 34 सेकंड में केवल ये हार्ड रिसेट हो गया, अब ये फ़ोन बूट हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगेगा, प्री लोडर हमारा बना रहा है। अब हम इसको निकाल देते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये सैमसंग का फ़ोन ऑन हो चुका है, बहुत ईजी तरीके से अनलॉक। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दिखाई देगा गाइस की सारी चीज़ें
आपको यहाँ पे, तो गाइज ये देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो उसमें आपको करना क्या है गाइज, आपको यहाँ पे फैक्ट्री सेट कर देना है। मैं आपको लाइव कर रहा हूँ, जैसे आपको ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको कर देना है फैक्ट्री सेट कर देना गाइज। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आप देख लो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। क्योंकि अगर ये जैसे फॉर्मेट होगा आपका ये कमांड यहाँ पे जैसे ही होगा उसमें आपको फैक्ट्री सेट कर देना है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बूट करेगा, बूट करने के बाद मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ क्लियर कट। ओके गाइज, तो गाइज जो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ये कम्प्लीटली हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड बूट, ये देख सकते हैं गाइज हमारा फोन ऑन हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मतलब हमारा फॉर्मेट हो चुका है, जॉब डाउन हो चुका है गाइज। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा स्टेप करके कि इसमें एफ आर पी नहीं लगी। मेरा मेन मोटिव था इसके पैटर्न को हटाना, पैटर्न को कैसे हम बाईपास कैसे हम हार्ड रिसेट करते हैं। अगर आपका हार्ड रिसेट से प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस टूल के माध्यम से बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अभी ये स्किप नहीं हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, मैं स्किप करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ पर यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको अपने उसमें भी दिखा दूंगा। तो दिस नीडेड वाईफाई नीडेड यहाँ पे आपको दिखा रहा है, मोबाइल डाटा यूज के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम वाईफाई भी कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। नहीं बढ़ता है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, हम इसकी एफ आर पी की भी वीडियो आपको यहाँ पे डाल देंगे गाइस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो अभी कोई भी स्किप नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्किप का बटन मैं दबा रहा हूँ पर स्किप नहीं हो रहा है गाइस। तो चलिए यहाँ पे हम करने वाले हैं, हम इसकी एफ आर पी भी हटाएंगे, रिमूव करेंगे कैसे रिमूव करना है। बट उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को दूसरे वीडियो में देखना होगा क्योंकि मैं दूसरे पार्ट में इसका डाल दूंगा कि इसकी वीडियो कैसे कैसे इसकी एफ आर पी रिमूव करें। तो चलिए वीडियो में अपने बना, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।